हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे AS एडिट चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और चैनल सब्सक्राइब करना। और गाइस, आज की जो वीडियो है ना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना और पूरा जरूर देखना। तो गाइस, आज की वीडियो करने वाले हम इन तीन कलर के ऊपर। तो गाइस, मैं एक कलर में फालतू दे दूंगा, ब्लू, रेड और इसमें वो है जो भी है, मतलब इन पर एडिटिंग होने वाली है। तो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो गाइस, आपको पहले ब्लू में क्या लेना होगा, ब्लू सॉफ्ट टोन का प्रीसेट लेना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से अगर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, आपको क्या करना है, इस प्रीसेट को क्या करना है गाइस, आपको इस प्रीसेट को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में कॉपी कर देना है। तो इसे कॉपी करने से क्या होगा गाइस, ये पेस्ट करने के लिए एकदम आसानी से हो जाएगी। तो गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि गाइस ये पेस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिसको भी पेस्ट नहीं हो पाता है मैं उसको बता दूंगा पेस्ट करके। तो गाइस, आप सब मेरे मतलब एक मेरा मॉडल है प्रतीक परदेसी, उनका जो है फ़ोटो लिया है मैंने, उन्हें ले लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा लाइटरूम कुछ गड़बड़ कर रहा है, सॉरी इसलिए। तो गाइस, हम प्रतीक परदेसी का फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस, हमने ले लिया है, तो आप सब देख सकते हैं। तो गाइस, मैजिक होने वाला है पेस्ट कर। तो गाइस, आप सब देख सकते हैं, इन्हें ग्रीन का एकदम ब्लू टोन आ चुका है, एकदम बढ़िया वाला टोन आ चुका है। तो इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, मैंने आपको चार कलर दिखाने वाला हूँ, चारों प्रीसेट आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इसमें थोड़ी सेटिंग करेंगे हम, ओके गाइस। एंड गाइस, कलर में आएंगे, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करेंगे, ओके। कस्टम सेलेक्ट करके आपको आना है मिक्स टूल में, मिक्स में आके गाइस की थोड़ी सैचुरेशन कम रखनी है, एंड इसकी मतलब वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, लुमिनेंस को, जिससे कि आपके फेस में ज़्यादा चमक आए, ओके गाइस। एंड अब आपको जाना है क्लैरिटी टूल में आना है, इसी क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा और। एंड गाइस, विगनेट को थोड़ा सा डाल देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विगनेट को डालना है, ओके। एंड गाइस, कलर मतलब आपको शार्पनिंग के टूल में आके गाइस की शार्पनिंग बढ़ानी है, एंड नॉइस रिड्यूशन को 100 करना है, कलर्स नॉइस रिड्यूशन को भी 100 करना है, एंड स्मूथनेस को भी आपको 100 कर देना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो फोटो है ना गाइस, एकदम स्मूथ एंड फुल एचडी में बन जाएगा। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को नीचे करना जरूर बता देना। एंड गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, हमारी फोटो एंड लास्ट एंड फास्ट फीस देख सकते हैं आप, बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइज, आपको क्या करना है, गाइज रेड डॉट पर जाना है। एंड गाइज, यहाँ पर मेरा पिक मतलब थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लाइटरूम को, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी, ओके गाइज। एंड आपको क्या करना है गाइज, थ्री डॉट पर क्लिक करना है आपको, हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके जस्ट सेव कर लेना है। तो गाइज, मैं सेव नहीं करूँगा, मेरे को सेव हुआ हुआ है पहले से। गाइज, आप इसे यहाँ से गाइज, अब आपको लेना है पिंक कलर में लेना है, पिंक प्रीसेट लेना है आपको, पिंक टोन का। तो गाइज, आपको इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ओके गाइज। एंड गाइज, इसको भी आपको कॉपी करना है, कॉपी करने में गाइज यही वाला जो हमने प्रतीक परदेसी का जो हमने पिक बनाया था ना, इसी को लेना है। तो आप सोचेंगे गाइज, इसमें ब्लू कलर हो रहा है तो कुछ और कलर हो जाएगा, नहीं गाइज, हमने इसे सेव नहीं करा था, तो इस वजह से ये वही कलर में रहेगा, हम इस पर पेस्ट कर देंगे। तो गाइज, अब सब देख सकते हैं गाइज, यहाँ पिंक आ चुका है। तो गाइज, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, थोड़ा सा मैं एक्सपोजर थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सपोजर कम करते हैं, ओके गाइज। एंड गाइज, इसमें आपको इसकी थोड़ी सी हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही। एंड अब आपको आ जाना है गाइज, कम कर देते हैं, ओके, -9 कर देते हैं। एंड गाइज, कलर में आना है आपको, कलर में आपको मिक्स में जाना है, एंड इसमें जाना है आपको ऑरेंज में, ऑरेंज की सैचुरेशन थोड़ी सी कम करनी है। एंड गाइज, आपको इसकी लुमिनेंस को थोड़ा ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, अब 40 के 50 के करीब कर देता है, ओके ओके गाइज। अब आपको जाना है इसमें सबसे लास्ट वाले कलर में, एंड उसकी सैचुरेशन हाई करनी है आपको। गाइज, सब्सक्राइब कर ही देना चैनल को, और क्या करोगे आप। एंड गाइज, आपको इसका थोड़ा सा क्लैरिटी इंक्रीज करके थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है फोटो के अंदर। एंड गाइज, अब आपको आना है शार्पनिंग के टूल में, गाइज इसकी शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। एंड गाइज, इसकी नॉइस रिड्यूशन जो है इसको फुल कर देना है एकदम, एंड कलर्स नॉइस रिड्यूशन को आपको फुल करना है, एंड स्मूथनेस को भी आपको फुल कर देना है, ओके गाइज, ओके गाइज। तो आप सब देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपोजर में जाना है, मतलब यहाँ पर इसको गाइज आप सब देख सकते हैं ना, फुल HD बन चुका है फोटो, कितना स्मूथ हो चुका है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ। एंड गाइज, आप सब देख सकते हैं, पहला जैसा पिक था ना हमारा, बिल्कुल सेम वैसे ही हो चुका है। तो गाइज, आपको इसे भी सेव कर लेना है, मैं भी सेव नहीं करूँगा जो भी मैं फ़ोटो बनाऊँगा। एंड गाइज, आपको लेना है मोबाइल प्रीसेट एंटियन एंटम का। तो गाइज, आपको इसमें सॉरी ये पेस्ट हो गया था, अंडू कर देते हैं। एंड गाइज, अब आपको इसको भी कॉपी कर देना है, ओके गाइज, यहाँ से इसे कॉपी कर देंगे आप, तो गाइज कुछ बढ़िया सा पीस बन के तैयार होएगा हमारा। तो गाइज, हम यहाँ से प्रतीक परदेसी का फ़ोटो ले लेते हैं। एंड गाइज, हम ले लेते हैं प्रतीक परदेसी का फ़ोटो, ले लिया है हमने, ओके गाइज। एंड गाइज, अब आपको क्या करना है गाइज, इसको आपको पेस्ट कर देना है गाइज।
पेस्ट होने वाला है गाइस, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, सॉरी तो वैसे थोड़ा नेट स्लो है थोड़ा। एंड गाइस ये सब हो चुका है गाइस, तो गाइस हमें सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने उन दो पी सेट्स के साथ करा था। एंड गाइस आपको इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा सही रखना है अपना, ज़्यादा नहीं सही रखना है। ओके गाइस वही गाइस सेम प्रोसेस करना है सब में आपको। उसमें क्या रहता है ना गाइस, प्री सेट्स में थोड़ी सी फेस की सैचुरेशन जो है ना ज़्यादा ही कम रहती है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है एंड फोटो में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ पाती। गाइस क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम। एंड गाइस विगनेट तो बहुत है इसमें, फिर भी गाइस डिटेल को मतलब शार्पनिंग डिटेल उसको बढ़ा देंगे एंड नॉइस रिडक्शन कलर्स नॉइड और स्मूथनेस को तो आप वहाँ पर 100 करना है जोन से भी फोटो में बनाऊंगा। ओके गाइस गाइस यहाँ से सबको आपको यहाँ से भी कर देना है आपको। एंड मैं आप दिखाने वाला हूँ गाइस, आप सब देख सकते हैं कितने बढ़िया प्रीसेट हो चुका है हमारा एंड फोटो बन चुका है बढ़िया करके। तो अगर आपको ऐसे फोटो बना के आप इंस्टा या फेसबुक पर डालोगे ना तो गाइस भर के लाइक आने वाले हैं और भर के फॉलोअर आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए मुझे कमेंट से जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस आप जो आने वाला ना गाइस रेड प्रीसेट आने वाला है, तो ये प्रीसेट जो है ना काफ़ी बढ़िया होने वाला है, तो आप सब देख लेते गाइस। ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए गिफ्ट दिया था, इन सात इन चारों प्रीसेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखो, आप आ जाएगा डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस तो आपको गाइस यहाँ से क्या करना है, इस ये वाला प्रतीक परदेसी का फोटो ले लेना है, प्रतीक परदेसी का फोटो। सॉरी कोई थोड़ा दिक्कत आ रहा है, सॉरी आप परचेस कर लेना। एंड गाइस अब आपको यहाँ से आना है, बैक आना है। तो गाइस कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो इसलिए सॉरी गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ से हम दोबारा इसे ओपन करने वाले हैं। ओके गाइस एंड यहाँ से हम इसे एट आल फोटो में जाएंगे, आल फोटो में गाइस इसे ले लेते हैं प्रतीक परदेसी का फोटो। एंड गाइस मैंने यही फोटो यूँ चुना ना, इसमें ग्रास है ना तो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड गाइस यहाँ पे रेड होने वाला है, आप मैजिक देखोगे, बूम एकदम मैजिक सब हो चुका है एकदम। जैसे कि गाइस हमने कितना बढ़िया कलर क्रिएशन करी है ना गाइस, ऐसे प्रीसेट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइज एंड गाइज आपको सेम प्रोसेस करना है सब में। तो गाइज आपको इसमें आवाज़ आना है क्लैरिटी टूल में, क्लैरिटी की तरह क्लैरिटी नहीं बढ़ानी है आपको। एंड विग्नेट डालना है थोड़ा सा, शार्पनिंग आपको इसमें थोड़ी सी बढ़ानी है एंड नॉइस रिडक्शन को एंड कलर रिडक्शन को एंड स्मूथनेस को तो आपको 100 कर ही देना है। तो गाइज वो क्यों करना पड़ता है गाइज, हमारा जो फेस है ना, फेस एंड जो कलर है वो स्मूथ हो जाता है एकदम बढ़िया करके, जो झिलमिल रहती है ना शार्पनिंग के बाद वो नहीं रहती एकदम। तो गाइस आप सब देख सकते हैं ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, तो गाइस हम सब देख सकते हैं गाइस की एकदम फुल एच डी हो चुका है फोटो एंड स्मूथनेस कितना हो गया है ना। गाइस आप कुछ कहने नहीं इस फोटो की, तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर।